लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर योगेश उर्फ राजू का वीडियो सामने आने के बाद मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस हिरासत में शूटर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। इस दौरान उसने दावा किया था कि मुंबई में मारे गए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी कोई भले आदमी थोड़ी थे, उनके तो भारत के वांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम तक से संबंध थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को हाफ एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगने पर जब मथुरा के अस्पताल लाया गया तो वहाँ किसी नेता की तरह वह मीडिया के सामने अपने दिल की बात करता रहा, तरह तरह के सवालों का जवाब देता रहा। इसके बाद भी उसके साथ मौजूद पुलिस वाले मुंह ताकते रहे। इतना ही नहीं, गैंग का शूटर खुद को पुलिस वालों के सामने ही डॉन दिखाने की कोशिश कर गैंग की शान में कसीदे करता रहा। फिल्म स्टार सलमान खान से लेकर बाबा सिद्दीकी की सबकी बात करता रहा। जब उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस वालों को एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। शूटर योगेश का वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल उठने लगे कि पुलिस हिरासत में कैसे एक अपराधी मीडिया को ऐसा बयान दे सकता है। जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहा था तब पुलिस कर्मी कहां थे? इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कड़क कदम उठाते हुए मथुरा एसएसपी ने 3 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। डीएसपी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उनका कहना है कि शार्प शूटर ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कमेंट किया था, इसलिए इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को दिल्ली और मथुरा पुलिस के एनकाउंटर में शूटर योगेश पकड़ा गया था। उसके पैर में गोली लगी थी जिसका इलाज चल रहा था। जिला अस्पताल के बाहर शूटर ने पत्रकारों से कहा था कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच आ रहा था नेता बाबा सिद्दीकी, इसलिए मारा गया क्योंकि वह कोई भला आदमी नहीं था। उस पर तो खुद वहां मकोका के तहत मामला दर्ज है। आम आदमी पर तो मकोका मामला दर्ज नहीं होगा, बल्कि उसके बारे में तो यहां कहा जाता है कि वह दाऊद का आदमी था। जब कुछ लोग ऐसे किसी के बीच में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शूटरों को ही इस हत्या का ठेका दिया गया था। मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए 5 बदमाशों में से एक महाराष्ट्र का है। इस आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर से इस काम को करने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि महाराष्ट्र का होने के कारण उसे सिद्दीकी के कद और प्रभाव का अच्छा अंदाजा था, जो सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सितारों के करीबी था, और फिर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मुंबई पुलिस और स्पेशल सेल इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें कुछ और नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।